मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 जून को दतिया में महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा महाअभियान की तैयारियों का जायजा लेने अपने गृह जिला दतिया पहुंचे। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 21 जून को दतिया दौरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री दतिया के परासिया ग्राम में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान उन्नाव बालाजी पहुंचकर पहुंच नदी के रपटा का भी भूमि पूजन करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्राम परासिया पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी किए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सभी को जागरूक करें, वैक्सीन को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस महाअभियान की शुरुआत योग दिवस के अवसर पर की जा रही है। सबसे पहले मैं आम जन से प्रार्थना करूंगा कि ये वैक्सीन अमृत है, अमृता है, संजीवनी है, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान प्रारंभ किया है उसमें बढ़ चढ़ के भाग और वैक्सीन लगवाए। यही वैक्सीन होगी जो हमारे मन में उपजी तीसरी लहर की अज्ञात आशंकाओं से हमें बाहर निकालेगी। और इसलिए मेरी आम जन से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि वैक्सीन के लिए सबको प्रेरित करें, भ्रम फैलाने वालों को भी आगाह करें। प्रधानमंत्री द्वारा जो कल योग दिवस पर यह अभियान प्रारंभ किया गया है, उसका शुरुआत दतिया जिले के परासरी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश के इस अभियान की शुरुआत करने आ रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बनेगा। SC के हमारे सभी भाई बंधु उस बस्ती में वो जाएंगे और इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।